नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं का पाठ वन, हमारी जीवन रेखा। आज हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। पहले हम देखेंगे एक जंगल की संरचना कैसे होती है, वन के अवयव, वनों का हमारे लिए क्या महत्व है, खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह और वन संरचना। प्राचीन समय में हम जंगलों में रहते थे। यह उस समय एक सामान्य जीवन जीने के लिए हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था। अब हम जंगलों से दूर शहरों और कस्बों में रहते हैं, इसलिए हम वास्तव में अपने जीवन में वनों के महत्व को नहीं जानते। यह वन्य जीवों के कई रूपों में प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। जंगलों में कई पेड़ भी पाए जाते हैं। जंगल में कीड़े, तितलियां और पक्षी भी होते हैं। चलिए देखते हैं जंगल की संरचना कैसे होती है। हम शुरू करेंगे सबसे ऊपरी परत से, जिसे वितान कहते हैं। यह वन भूमि के लिए एक छत के रूप में कार्य करता है। तने के ऊपर एक वृक्ष का शाखीय भाग वृक्ष के शिखर के रूप में जाना जाता है। वितान के बाद आता है अधोतल। जंगल में विभिन्न प्रकार के शिखर के कारण बनने वाली विभिन्न क्षैतिज परतों को अधोतल कहा जाता है। बढ़ने के लिए उन्हें प्रकाश की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। फिर आती हैं झाड़ियाँ। ज्यादातर झाड़ियाँ 1-2 मीटर ऊंचाई की होती हैं। यह जंगल के सबसे घनी परत बनाती है और वहां मौजूद होती है जहाँ पर्याप्त धूप हो। सबसे निचली परत होती है वन भूमि, जिसपे उगते हैं छोटे पत्तेदार पौधे जिन्हें शाक कहा जाता है। शाक परत के अधिकांश पौधों की जीवन काल बहुत कम होती है और जंगल के जमीन पर पत्ते, तना, छाल और मिट्टी की ऊपरी परत शामिल होती है। अब हम बात करेंगे वन के अवयव क्या क्या हैं। सबसे पहले आते हैं पौधे। हरे पौधे जीवित जीव है जिन्हें स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण से भोजन का उत्पादन करते हैं। यह सभी के लिए भोजन प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें भोजन का निर्माता भी कहा जाता है। वनों में जानवर भी मौजूद होते हैं। जानवरों को उपभोक्ता कहा जाता है। वे जानवर जिनके आहार पौधे होते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, जबकि मांस खाने वाले जानवरों को मांसाहारी कहा जाता है। वनों में पौधों और जानवरों के अलावा अपघटक भी मौजूद होते हैं, जिनमें सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक और विषाणु मौजूद होते हैं। वे मृत पौधों और जानवरों को खाते हैं और उन्हें ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं। वे उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। इनके अलावा मुर्दाखोर जानवर भी मौजूद होते हैं, जैसे गिद्ध, कौवे, सियार, लकड़बग्घे। ये मरे हुए जानवरों का निर्वाह करते हैं और एक तरह से पर्यावरण को साफ करने में मदद करते हैं। अब हम जानेंगे वनों का हमारे लिए कितना महत्व है। वन हमें बड़ी संख्या में उपयोगी उत्पाद देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जो हमें जंगलों से प्राप्त होते हैं, वह लकड़ी, शहद, गोंद, मोम, फल, तेल, मसाले, प्राकृतिक रबर, कॉर्क, रंजक, औषधीय पौधे और पशुओं के लिए चारा। शायद जंगलों से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद लकड़ी है, जो जंगलों के पेड़ों को काटकर प्राप्त किया जाता है। लकड़ी का उपयोग हमारे जीवन में बड़ी संख्या में किया जाता है। वन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को भी बनाए रखता है। वन में पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बनाते हैं। यह हमारे अलावा सभी जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अनुपात को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए वनों को हमारे हरे फेफड़े भी कहा जाता है। यदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी,
इसलिए वे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सही मात्रा बनाए रखने में मदद करते हैं। वन जल चक्र को भी बनाए रखते हैं। जंगल के पेड़ अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी निकालते हैं और वाष्प के माध्यम से हवा में जल वाष्प छोड़ते हैं। यह जल वाष्प बादलों के निर्माण और पृथ्वी पर बारिश लाने में मदद करता है। इस प्रकार वन पृथ्वी पर पर्याप्त वर्षा लाते हैं। इस तरह वन प्रकृति में एक आदर्श जल चक्र बनाए रखने में मदद करते हैं और हमारी पानी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वन बाढ़ की घटनाओं को रोकते हैं। वन वर्षा जल के प्राकृतिक औषधों के रूप में कार्य करता है और इसे रिसने देता है। यह पूरे वर्ष जल तालिका को बनाए रखने में मदद करता है। वन न केवल बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, बल्कि धाराओं को पानी के प्रवाह को बनाए रखने में भी मदद करते हैं, ताकि हमें पानी की स्थिर आपूर्ति मिल सके। यदि पेड़ मौजूद नहीं है तो बारिश सीधे जमीन पर गिरती है और इससे इसके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ सकती है। उनकी अनुपस्थिति में मिट्टी धुल जाती है और मिट्टी मिट जाती है। वन वन्य जीवों के लिए आवास भी प्रदान करता है। एक जंगल में मौजूद विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां जंगल में रहने वाले जानवरों, पक्षियों और कीड़ों को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। यह एक खाद्य श्रृंखला बनाता है। हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में। यह एक ऐसी प्रणाली है जहां एक छोटा जानवर एक बड़े जानवर के लिए भोजन है, जो बदले में किसी अन्य बड़े जानवर के लिए भोजन है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि छोटे पौधे और घास हिरण और गायों जैसे शाकाहारी जीवों द्वारा खाए जाते हैं। यही शाकाहारी जीव बाद में मांसाहारी जीव जैसे शेर का शिकार बनते हैं। चलिए देखते हैं इस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। सूर्य ग्रह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हरे पौधे या उत्पादक भोजन बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पौधों से ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में पारित होती है। उत्पादकों से ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ताओं अर्थात शाकाहारी में जाती है और फिर द्वितीय उपभोक्ताओं अर्थात मांसाहारी को दी जाती है। इस प्रकार निर्माता हमेशा खाद्य श्रृंखला की शुरुआत में होते हैं। अब हम बात करेंगे वन संरक्षण के बारे में। बढ़ती आबादी की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में जंगल के पेड़ काटे जा रहे हैं। इसे वनों की कटाई कहा जाता है। वनों में पेड़ों की कमी होने के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है। जंगल में रहने वाले जानवरों का आश्रय भी खत्म हो रहा है। पेड़ों की कमी की वजह से बाढ़ की संख्या भी बढ़ जाती है। वनों की कटाई पर्यावरण को खतरे में डालती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करता है। आने वाली पीढ़ी के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखें। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम सरकार पर दबाव डाल सकते हैं कि वनों की संरक्षण के लिए वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वनों के संरक्षण के लिए कटे हुए पेड़ों के स्थान पर अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। पुराने अखबार पत्रिकाओं किताबों आदि जैसे कागज उत्पादों को पुनर्नवीनीकरण किया जाना चाहिए। चलिए जानते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने समझा कि कैसे पेड़ हमें महत्वपूर्ण उत्पाद प्रदान करके हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और पीने के लिए पानी भी। वे विभिन्न जानवरों के लिए आश्रय भी है। हमने ये भी देखा कि हमारे कार्यों का जंगलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसे कैसे रोका जा सकता है।
आज की शब्दावली में हमने तीन नए शब्द देखे। पहला है ह्यूमस, जो मृत पौधों और जंतुओं के विघटित होने से बनने वाले एक गहरे रंग का पदार्थ है। दूसरा है इरोजन, जिसका अर्थ होता है अपक्षरण। तीसरा है रीजेनरेट, अर्थात पुनः उत्पन्न करना। आशा करता हूँ आपको आज का पाठ पसंद आया होगा। धन्यवाद।